हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हैं सब लोग? तो आज मैं और सौरभ सर आपके साथ जुड़े हैं। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो सिफ्ट 2, ओके, सिफ्ट 2 का पेपर एनालिसिस करेंगे। 16 जून आज का जो एग्जाम हुआ था, हिस्ट्री और मैनेजमेंट का जो पेपर हुआ था, हिस्ट्री पेपर 1 का भी हम एनालिसिस करेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे मैनेजमेंट के क्या क्या क्वेश्चन आए थे, आगे आने वाले जो हमारे एग्जाम है उनके लिए क्या क्या टॉपिक्स, हॉट टॉपिक्स, इंपोर्टेंट टॉपिक्स बन सकते हैं, उसके बारे में आज मैं और सौरभ सर डिस्कस करने वाले हैं। एग्जैक्टली, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम लोग पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं कि आईसीटी के अंदर और बाकी मैनेजमेंट के अंदर और बाकी पेपर 1 का ओवरऑल, कि कौन से आपके पास हॉट टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक्स से मोस्टली क्वेश्चंस आए हैं शिफ्ट 2 के अंदर 16 जून को, और जो नेक्स्ट फेज में होने वाले हैं एग्जाम्स उसमें, और कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए सर, अगर मैं यहाँ पे बता दूँ जो डिफिकल्टी लेवल जो हमें स्टूडेंट से रिस्पांस मिल रहा है, तो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में आया था, और बहुत सारे सर क्वेश्चंस यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। मतलब वही चीज़ है सर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करके गया होगा पेपर 1 में, तो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। और उसके साथ साथ अगर आप मैनेजमेंट का देखें तो मैनेजमेंट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से जितना स्टूडेंट्स को याद है वो बोल रहे हैं कि सर डायरेक्ट 4 क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, डायरेक्ट पीवाईक्यू से आए थे। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले सर पेपर 1 का स्टार्ट कर लेते हैं एनालिसिस। पेपर 1 का सबसे पहले आईसीटी से हम स्टार्ट करते हैं, जितना हमें याद है, जितना हमने स्टूडेंट से पूछा है, जो उन्होंने रेस्पॉन्स दिया है उसके हिसाब से यहाँ पे हम आपको पूरा बताने वाले। ओके, तो अगर हम आईसीटी से देखेंगे तो उनको यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर हम देखते हैं आईसीटी से, तो आईसीटी से सर उनको जितना याद है 3-4 क्वेश्चंस आईसीटी से आया था, और आईसीटी के क्वेश्चंस बहुत ही इजी आए थे। ओके, तो सर बताइए आईसीटी से किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, किस प्रकार के सवाल पूछे गए थे? देखिए सर, आईसीटी एक बहुत इजी, बहुत सिंपलेस्ट यूनिट है इन सारी, अगर हम पेपर 1 की बात करते हैं तो पूरे 10 में से सबसे इजी जो यूनिट है दैट इज योर आईसीटी, क्योंकि इसके अंदर जो है आपके पास बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर है, आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ बेसिक्स पढ़ने हैं कंप्यूटर के, कि कंप्यूटर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। इसके अलावा थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम इसके अंदर गवर्नेंस की, कि गवर्नेंस में किस तरीके से हम आईसीटी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा गवर्नमेंट की क्या बोलते हैं उस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और पॉलिसीज के बारे में अगर बात कर लेते हैं, तो हम बस यही 2-3 मेजर टॉपिक्स हैं इसके अंदर। जो आप बता रहे हैं कि आईसीटी के जो क्वेश्चंस आए थे वो काफ़ी इजी आए थे, इसीलिए वो इजी थे क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो हॉट टॉपिक्स जिसे हम कहते हैं, ये हमेशा हर बार रिपीट होते हैं। ठीक है, लाइक अगर आपका नंबर कन्वर्जन की बात करें, ठीक है, नंबर कन्वर्जन एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा आता है, यह हमेशा ट्रेंड में रहता है नंबर कन्वर्जन। लाइक कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में करना है, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में करना है, इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, इसको आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक दूसरा टॉपिक होता है हमारे पास, दैट इज मेमोरी हायरार्की। ठीक है, तो सर इस बार हायरार्की से भी सवाल आया था, तो आपको अरेंज करने के लिए सवाल आया था कि लीस्ट से हाईएस्ट में अरेंज करने के लिए, हॉट टॉपिक है सर, वो हमेशा ही आते ही रहता है आपको। सर इसके अंदर मैं सबसे सिंपल, जैसे कि मैंने YouTube लाइव सेशंस में भी बताया है बच्चों को, कि हायरार्की का एक टेबल है, आपको एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर बनाना है। अगर आपने उस हायरार्कियल स्ट्रक्चर को समझ लिया तो आप इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो एक ये टॉपिक है आपका, दूसरा नंबर कन्वर्जन है, तीसरा कुछ पॉलिसीज हैं या इनिशिएटिव्स कह सकते हैं आप इनको, इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आती रहती है टाइम टू टाइम, तो आप उनको पढ़ सकते हैं, उनके बेसिस जो रीसेंट ट्रेंड्स होते हैं उनके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा आईसीटी इन एजुकेशन, उस पर एक आध क्वेश्चन हमेशा आता है सर। और एक क्वेश्चन आया था इस बार आईसीटी का, बाइनरी नंबर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, अगेन नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, सिस्टम का आया था, जो कि हमने बहुत बार आपने करवाया है, बहुत बार सर, यस हमने बहुत बार उसको डिस्कस किया है, कन्वर्शन कैसे करते हैं बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, पूरा बहुत अच्छे से बताया। उसके ऊपर क्वेश्चन आया था, एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन आया था, और सीक्वेंस वाले सवाल सर ज्यादा आए थे। मतलब पेपर 1 में भी अगर हम देखते हैं सीक्वेंस वाले सवाल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, जैसे हायरार्की का एक सीक्वेंस आया था, और उसके साथ साथ
स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन से क्वेश्चन आया था सर, स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन लॉजिकल रीजनिंग से अगर हम बात करें, स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन से दो क्वेश्चन आए थे आपके मैनेजमेंट शिफ्ट में भी और हिस्ट्री के शिफ्ट में भी क्वेश्चन आए थे, मतलब स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन सर हम छोड़ के नहीं जा सकते, नहीं जा सकते सर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हो जाता है जो कि हर बार रिपीट होता है, राइट। तो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से क्वेश्चन आए थे और अगर हम देखते हैं स्टूडेंट का रिस्पॉन्स से अगर हम देखते हैं तो सीक्वेंस वाले सवाल बहुत ज्यादा आए थे, कंप्लीटली पेपर सर इस बार एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ सर कंसेप्ट पढ़ रहे हो और चले जा रहे हो और एग्जाम दे रहे हो और सोच रहे हो कि एग्जाम क्लियर हो जाएगा, मतलब आपको सर क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, मतलब जितना ज्यादा बल्क में क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे तो उसके लिए बेनिफिशियल है। देखिए सर भी यहाँ पे जेआरएफ क्वालिफाई है, मैं भी जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ, तो ये सब चीज हमने भी फेस किया है कि कितना इंपॉर्टेंस होता है पीवाईक्यूज का, एमसीक्यूज का कितना इंपॉर्टेंस होता है, मॉक टेस्ट का कितना इंपॉर्टेंट होता है इस एग्जाम को क्लियर करने में। और सर और एक क्वेश्चन आता है आईसीटी से सर, जीमेल ईमेल वाला सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, थोड़ा सर उसके ऊपर भी बता दीजिए। तो जैसे आप लोग मेल यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, किसी से भी कोई फॉर्मल ऑफिशियल कन्वर्सेशन करने के लिए मेल का यूज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कि हम मेल किस तरीके से लिखते हैं, उसके अंदर कौन कौन से फील्ड्स होते हैं हमारे पास। जैसे कि एक टू फील्ड होता है जिसके अंदर जो रिसीवर है उसका एड्रेस हम डालते हैं, इसके अलावा जो सीसी फील्ड है उसके अंदर हम किसी को अगर कार्बन कॉपी करना है मतलब सेम मेल को सेंड करना है तो उसका एड्रेस डालेंगे, बीसीसी के अंदर किसी को ब्लाइंडली भेजना है। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो ये रीसेंट जो भी जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि लास्ट ईयर ब्लॉकचेन से क्वेश्चंस आए थे, ब्लॉकचेन एक बहुत ज्यादा ट्रेंडी टेक्नोलॉजी है जिस पे बेस्ड, आपने क्रिप्टो करेंसीज के बारे में सुना होगा, ठीक है, तो वो क्रिप्टो करेंसी बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन, तो उसके ऊपर भी, तो कहने का मतलब है कि आपको जितना भी रीसेंट ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज चल रही है उनके सारे क्वेश्चंस उन कॉन्सेप्ट्स को एक बार पढ़ के जरूर जाना है, राइट। और सर यहाँ पे आपसे मैं मदद लूंगा सर, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, वेव 1.0, वेव 2.0 और वेव 3.0, वेव 3.0 इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और आईसीटी का किस तरीके से हायर एजुकेशन में हम यूज करेंगे, जैसे एलएमएस हो गया, लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ओके, मूक्स, मूक्स प्लेटफॉर्म को, तो आगे आने वाला जिनका भी एग्जाम है मूक्स को प्लेटफॉर्म को, मूक्स को अच्छे से पढ़ के जाइए, स्वयं स्वयं प्रभाव हो गया, ओके, और जितने भी डिजिटल इनिशिएटिव्स है, स्वच्छ सुधि, स्वच्छ गंगा, इस बार सर एक स्टूडेंट्स ने भी बताया है प्लैगरिज्म से क्वेश्चन आया था, तो देखिए प्लैगरिज्म अगर हम देखते हैं तो टाइप्स ऑफ प्लैगरिज्म देख के जाइए, रिसर्च का बात अगर अभी अगर हम करते हैं रिसर्च, तो देखिए रिसर्च में सबसे पहला चीज तो आपको टाइप्स ऑफ प्लैगरिज्म, आज का शिफ्ट में पूछा गया था टाइप्स ऑफ प्लैगरिज्म के ऊपर सवाल, टाइप्स ऑफ प्लैगरिज्म से सवाल आया था, एथिक्स इन रिसर्च, एथिक्स इन रिसर्च छोड़ के नहीं जा सकते, सर आप कुछ एड ऑन करना चाहेंगे यहाँ पे सर, रिसर्च मेथडोलॉजीज, राइट, रिसर्च मेथडोलॉजी से भी सवाल आ चुके हैं, रिसर्च मेथडोलॉजी को भी बिल्कुल आप छोड़ के नहीं जा सकते, ये सब नोट डाउन करते जाइए, ये सब टॉपिक आपको, ये सब हॉट टॉपिक है यहाँ पे हम लिख रहे हैं जिसको डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब इसको भी आप सर देखेंगे आजकल जो ट्रेंड जो चला है कि आपका रिसर्च जो है वो भी आपका टाई अप कर दिया जाता है आईसीटी के साथ, मतलब आपको क्वेश्चंस ऐसे लगेंगे कि दे आर फ्रॉम आईसीटी और दे आर फ्रॉम रिसर्च, लेकिन वो दोनों के कॉम्बिनेशन से होते हैं। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन आया था कि आपसे पूछा गया था कि प्लेजरिज्म जो है उसको रिमूव करने के या उसको डिटेक्ट करने के सॉफ्टवेयर टूल्स के बारे में पूछा गया था, तो आपको उसके अकॉर्डिंग मतलब आपको टूल्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि आप किन किन टूल्स का यूज करके प्लैग को डिटेक्ट कर पाते हैं, राइट, ठीक है। जैसे जैसे हम बोलते हैं सर पीडीएस सॉफ्टवेयर आता है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लैगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर आता है, जैसे बहुत ही ज्यादा आता है शोध शुद्धि सर, ये शोध शुद्धि जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, शोध शुद्धि क्या होता है, प्लैगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर होता है जो कि डेफिनेटली आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, ओके। एक टर्निटिन के ऊपर भी क्वेश्चन था लास्ट ईयर, यस लास्ट ईयर टर्निट, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आए हैं, इस बार के भी क्वेश्चंस आए हैं टर्निट के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसको भी आपको छोड़ के जाना नहीं है। तो ये सब रिसर्च के क्वेश्चंस हो गए। अगर हम नेक्स्ट आते हैं, अगर हम देखते हैं हायर एजुकेशन से, ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम कौन से टॉपिक, हायर एजुकेशन के ऊपर चलते हैं, हायर एजुकेशन से क्या क्या क्वेश्चन आए थे, स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आ रहा है कि सर एनईपी छोड़ के नहीं जा सकते। देखिए आगे जिनका भी एग्जाम आ रहा है तो आप सबको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देख के जाना है, क्या देख के जाना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी से स्टूडेंट के रिस्पॉन्स के हिसाब से तीन क्वेश्चन आए थे, कितने क्वेश्चन आए थे, तीन क्वेश्चन आए थे,
उसके बाद आपका कहां से क्वेश्चन आया था, आपके क्वेश्चन एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम, एंशियंट एजुकेशन सिस्टम से क्वेश्चन आए हैं, इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते। सेरेमोनीज, जितने भी सेरेमोनीज होते हैं, जितने भी आपके सेरेमोनीज होते हैं, 16 संस्कार जो होते हैं हमारे हिंदुइज्म में, उसका क्या होता है, उसका समापन सेरेमनी क्या होता है, उसको आपको देख के जाना है, उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके साथ साथ आपके जितने भी डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, इसको आपको तो अच्छे से पढ़ के जाना है। डिजिटल इनिशिएटिव से क्वेश्चन आ रहे हैं, ओके। शोध गंगा से क्वेश्चन पूछा था, इस बार स्टूडेंट से रेस्पॉन्स आ रहा है। शोध गंगा, शोध गंगोत्री से सवाल पूछा था, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, ओके, गवर्नमेंट इनिशिएटिव से क्वेश्चन आया था। दीक्षा से क्वेश्चन आया था, दीक्षा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स होता है। फिर उसके बाद नैड से क्वेश्चन आया था, नैड क्या होता है, नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी, ओके ओके। उसके साथ साथ आपके एक्रीडेशन काउंसिल्स जो होते हैं, ओके, और उसके साथ साथ क्वेश्चन आए थे आपके रेगुलेटरी बॉडी से, कहां से आए थे, रेगुलेटरी बॉडी से क्वेश्चन आए थे। रेगुलेटरी बॉडीज को आपको देख के जाना है, उसके साथ साथ एक्रीडेशन बॉडीज को देख के जाना है। नैक से सवाल पूछा गया था, नेशनल असेसमेंट एक्रीडेशन काउंसिल, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन से क्वेश्चन पूछे थे, जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज है, ICMR, ICPR, उसके साथ साथ और भी जितने भी हमने रेगुलेटरी बॉडीज पढ़े थे, डायरेक्ट सवाल आ रहे हैं। स्टूडेंट का रेस्पॉन्स यही है कि सर आपके यूट्यूब सेशन से हमें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल मिले हैं। तो जितने भी हमने यूट्यूब सेशन लिए, अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे से नंबर से आप इस एग्जाम को क्लियर करने वाले हो। डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ये भी आया था कि सर आपके पढ़ाए हुए चीज हमने जो पढ़ाए हुए हैं, डायरेक्ट सवाल आ रहे हैं। देखो सर ने आपको कन्वर्सेशन के बारे में बताया था, कन्वर्सेशन से डायरेक्ट सवाल आए थे। हायरार्की के बारे में हमने कितना बार पढ़ाया है, हायरार्की से सवाल आया था। आईसीटी इन रिसर्च, आईसीटी का क्या यूज होता है रिसर्च, उससे डायरेक्ट सवाल आए, ओके। तो ये हो गया सर आपके हायर एजुकेशन के पार्ट हो गए। अगर हम टीचिंग से सवाल आते हैं, टीचिंग के बहुत ही बेसिक सवाल आ रहे हैं जिनको उतना जितना याद है, तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठने जा रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपको खुद को एज अ टीचर इमेजिन कीजिए, एज अ टीचर आप क्या कर सकते हो। तो टीचिंग स्किल्स के ऊपर, टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर सवाल आ रहे हैं, ओके। तो जिनका जिनको उतना याद था उतना ही वो बता पाए हमको यहाँ पे। उसके बाद रिसर्च के दो क्वेश्चन आए थे, मैक्सिम बहुत सारे क्वेश्चन इस बार रिसर्च से भी पूछे जा रहे हैं, ओके, पीडी से। अब आते हैं नेक्स्ट, अगर हम पीडी का बात करते हैं, नेक्स्ट बात अगर हम पीडी का करते हैं, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कन्वेंशन से सवाल आए थे, किससे आए थे, कन्वेंशंस सवाल आए थे, क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर क्वेश्चन आया था, किसके ऊपर आया था, क्योटो से सवाल आया था, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से डायरेक्ट सवाल आए थे। उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं इस बार एक जो आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब सेलिब्रेट होता है उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, मतलब जो डेज होते हैं ना, जो डेज होते हैं उसको अच्छे से देख के जाइए, वहां से डायरेक्ट सवाल आ रहे हैं, डायरेक्ट सवाल आ सकते हैं, नेक्स्ट पूछे जा सकते हैं। पीडी की देखिए, पीडी हायर एजुकेशन ऐसा टॉपिक है, पीवाईक्यूज, अगर आपने इसके पीवाईक्यूज अच्छे से सॉल्व करके गए हो तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन आएंगे। एमडीजी एसडीजीज, आगे आने वाला जिनका भी एग्जाम है, एमडीजीज और एसडीजीज को अच्छे से पढ़ के जाइए, यहां से डायरेक्ट सवाल आएंगे, डायरेक्ट सवाल आएंगे। उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज से डायरेक्ट सवाल आ रहे हैं, बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। पीडी के ये सब हॉट टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूं। उसके साथ साथ पॉल्यूशन, जितने भी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है उसको अच्छे से देख के जाइए, और उसके इंपैक्ट देख के जाइए। इस बार एक क्वेश्चन आया था, कैंसर, कार्सिनोजेनिक फैलाने वाले पॉल्यूशन का नाम बताइए, एस्थमा फैलाने वाले का नाम बताइए, यहां से सवाल आए थे। पेपर वन थोड़ा सा मॉडरेट टू टॉप लेवल था, बहुत सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू से रिपीटेड हुए थे, ओके। तो ये अगर मोटा मोटी बोलेंगे तो पीडी के सवाल हो गए। देखिए ना सर, यहाँ बात क्या है कि ये जो MDGs है, SDGs है, वाइल्ड लाइफ डेज के बारे में अगर हम प्रोटोकॉल्स कन्वेंशंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या, ये बेसिक्स है इस PDE यूनिट के। अगर आपने इतना कवर कर लिया है तो ऑलरेडी आपने आधी लड़ाई तो वैसे ही जीत ली है, राइट सर। तो आपको बस करना क्या है कि इन हॉट टॉपिक्स को एक बार ध्यान से पढ़ के जाना है, इनके बारे में जैसे सीक्वेंसिंग पे क्वेश्चंस आ जाते हैं SDGs के, आपसे पूछा जाता है कि फोर्थ नंबर वाला, सेवन्थ नंबर वाला, नाइन्थ नंबर वाला सीक्वेंस बताइए कि SDG में फोर्थ नंबर पे कौन है, तो सीक्वेंसिंग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे MDGs का, SDGs का। इसके अलावा पॉल्यूशंस, पॉल्यूटेंट्स, इनके ऊपर, इनके इम्पैक्ट के ऊपर कि क्लाइमेट चेंज में इनका क्या इम्पैक्ट, तो उन सब चीज़ों को, और एमिशंस हो गए जैसे
इंडस्ट्रियल एमिशंस की अगर हम बात करें तो कौन से जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो ज्यादा कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इंडस्ट्रियल एमिशंस में या कार एमिशंस में, तो उनके बारे में थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए। राइट, यस। तो वही है, आईसीटी से 3-5 क्वेश्चन आ गए, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, रिसर्च के मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे, पीडी के भी क्वेश्चन पीवाईक्यू से रिपीट हुए थे। अगर हम कम्युनिकेशन का पार्ट देखते हैं तो कम्युनिकेशन में सर बहुत ही बेसिक सवाल आते हैं, टीचिंग कम्युनिकेशन ये सब, एज अ टीचर एज अ कम्युनिकेटर आपको खुद को इमेजिन करना पड़ेगा। तो वही टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, उसके ऊपर एक मैथ भी फॉलोइंग वाला सवाल आता है, तो हमेशा आता है, ये एक हॉट टॉपिक है जो कि डेफिनेटली यूजीसी नेट आपको पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद मॉडल्स ऑफ क्वेश्चन, एक एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के क्वेश्चन ऊपर आया था, तो याद रखिए जो अरुस्तु का मॉडल है कम्युनिकेशन, उसको हम परसुएसिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये एक वन डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है, सिंगल मॉडल कम्युनिकेशन होता है, जो कि खास करके नेता यूज करते हैं, परसुएसिव कम्युनिकेशन होता है, खास करके लीडर्स यूज करते हैं ताकि परसुएट कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, इस टाइम भी क्वेश्चन आया था आपके हिस्ट्री के शिफ्ट में सर, ये क्वेश्चन आया था अरुस्तु के मॉडल के ऊपर। ये हो गया आपका मोटा मोटी, अगर हम जितना बच्चों को याद था जितना उन्होंने आपको बता पाया हमने आपको बता दिया। अगर हम सर मैनेजमेंट के ऊपर आते हैं तो ये हो गया आपका पेपर वन। अगर हम मैनेजमेंट का एनालिसिस करते हैं यहाँ पे, मैनेजमेंट का एनालिसिस करते हैं तो मैनेजमेंट का जो सर क्वेश्चन आया था ना सर, पूरा का पूरा एप्लीकेशन बेस्ड आया था। देखिए सर कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं, तो कल आपका कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है, तो जो भी एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो रेडी रहो एप्लीकेशन बेस्ड के लिए, पूरा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अगर आपने कुछ कंसेप्ट को रट के जा रहे हो ना, कोई फायदा नहीं होगा, कंसेप्ट रटना कोई फायदा नहीं होगा सर। पहले क्या होता था, पहले जो हमारी एजुकेशन सिस्टम जो था हमारा आज से 2-3 साल पहले, तो वो क्या था, वो थ्योरी बेस्ड था, ज्यादा हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते थे। कनेक्ट करता था ना सर। हाँ जी, बात तो यही है। अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पेपर सेट हो रहा है, जो एनटीए सेट करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज प्योरली एप्लीकेशन बेस्ड। अगर आप कंप्यूटर साइंस का भी क्वेश्चन पेपर एनालाइज करेंगे जब हम कल, तो हम उसमें देखेंगे कि मोस्टली क्वेश्चन है दे आर एप्लीकेशन बेस्ड, वो प्योरली थ्योरेटिकल बेस्ड ना होके अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे। इसीलिए हम देख रहे हैं कि ये जो ट्रेंड है बाकी सभी सब्जेक्ट्स में भी फॉलो किया जा रहा है, लाइक योर मैनेजमेंट सर। यस, तो अगर सर और भी आगे देखें तो सीक्वेंस वाले सवाल ज्यादा पूछे थे मैनेजमेंट में, सीक्वेंस वाले सवाल ज्यादा पूछे थे, वही ट्रेंड चल रहा है सर, वही ट्रेंड जो लास्ट टाइम एनटीए ने जो ट्रेंड फॉलो कर रहा था वही ट्रेंड चल रहा है। सीक्वेंस वाले सवाल ज्यादा पूछ रहे, बड़े के बच्चों को डरा रहे हैं। ओके, जैसे जैसे दिखाया जाता है ना, बंदूक दिखा के बच्चों को डराया आदमी को डराया जाता है, उसी तरीके से एनटीए कैसे डरा रहा है आपको, बड़े बड़े क्वेश्चन दिखा के, बड़े बड़े राक्षस दिखा, मतलब जैसे बोलते हैं ना छोटे बच्चों को सर, मतलब अगर वो खाना नहीं खाते तो बोलते हैं कि खा ले बेटा तो भूत आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो उसी तरीके से एनटीए भी आपको बड़े बड़े क्वेश्चन दिखा के डरवा रहा है और टाइमर दिखा के डरवा रहा है ताकि आप डर जाओ और वहीं पे आप नर्वस होके वहीं पे ही गलती कर दो। पर सर जो बच्चा थोड़ा सा दिमाग से खेलेगा ना, कटिंग कंसेप्ट एलिमिनेशन मेथड का यूज करेगा, थोड़ा सा लॉजिकली सोचेगा, वो आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है सर। इसीलिए तो कहा जाता है जो मॉक टेस्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके जेआरएफ में। देखो नेट और जेआरएफ के बीच में एक छोटा सा धागा होता है, बहुत कच्चा धागा जिसे हम कहते हैं, वो है मॉक टेस्ट। ठीक है, अब क्या है सर, आपको नॉलेज पूरी है, आप एज अ स्टूडेंट अगर मैं आपको कंसीडर करूं, आपको नॉलेज पूरी है, पूरी है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब बच्चा एग्जाम हॉल में जाता है तो वो 3 घंटे किस तरीके से निकाले, वो जो मेंटल प्रेशर जो क्रिएट होता है वहां जाके, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी स्टूडेंट के नेट और जेआरएफ के बीच में। कई स्टूडेंट्स को ऐसा देखा है मैंने कि जिनको नॉलेज बहुत ज्यादा अच्छी है लेकिन वो वहां जाके उतना अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वहां परफॉर्म नहीं करके आ पाते। तो यही चीज है। अब मॉक टेस्ट क्या होता है, अगर आप घर पे बैठ के 3 घंटा बैठ पा रहे और आपको पता है कि आप 3 घंटे के अंदर, मतलब जो 150 क्वेश्चन है आपके, वो आप 2.5 या 3.25 घंटे के अंदर कंप्लीट कर देते हैं, तो दैट मीन्स कि आप वहां जाके क्वेश्चन नहीं छोड़ के आने वाले। ठीक है, तो वही चीज है कि एक प्रेशर हैंडलिंग कैपेबिलिटी आ जाती है स्टूडेंट्स के अंदर अगर वो मॉक टेस्ट देते हैं तो। राइट सर, तो फिर सर चलते हैं आगे। आगे क्या क्या क्वेश्चन आया था आगे अगर हम देखें सर, एक अमूल के जैसे इंडिया के सारे डेयरी प्रोडक्ट वाले कंपनी का मार्केट शेयर पूछा था इन असेंडिंग ऑर्डर। यस, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में एक आया था मार्केट शेयर के बारे में पूछा था, लाइक अमूल नंदिनी पंजाब का एक ब्रांड था, मतलब ब्रांडिंग के ऊपर एक सवाल आया था सर, मतलब यहाँ से मैं मुझे जितना रिस्पांस मिल रहा है ब्रांडिंग के ऊपर सवाल पूछा था। उसके बाद अगर हम देखेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट से सर बहुत सवाल आ रहे हैं आजकल, क्योंकि मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है ना हमारा पेपर में मैनेजमेंट का, ये कंप्लीटली ना
मार्केट के ऊपर सवाल आता है, उसके बाद अगर हम देखते हैं प्रोमोशन एक्टिविटी से क्वेश्चन आया था, किससे आया था, प्रोमोशनल एक्टिविटी से क्वेश्चन आया था, प्रोमोशन एक्टिविटी से सवाल आया था, ये यहां से क्वेश्चन आया था। ट्रेड का एक क्वेश्चन था, अगर हम आईबी की तरफ आते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस में अगर हम देखेंगे ट्रेड के ऊपर एक क्वेश्चन था। ओके, तो अगर देखिए जो भी यहां पे मैनेजमेंट के एस्पिरेंट्स, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स देख रहे हो, अगर आपने एग्जाम दिया था तो डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ताकि और क्या क्या क्वेश्चन आया था आप भी हमें बता सकते हो। उसके बाद सर गैप से क्वेश्चन आया था, जनरल अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन आया था। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग नंबर्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए होंगे डेफिनेटली। इकोनॉमिक्स से अगर जितना उनको याद था उन्होंने बताया, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, मतलब इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इकोनॉमिक्स का पार्ट आ जाता है, इसको आपको अच्छे से देख के जाना है। और उसके बाद यही था, तो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आया था, पेपर लेवल वास मॉडरेट था, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे। और उसके साथ सर हमने जो सर सॉल्व पीवाईक्यूज एमसीक्यू सेशंस लिए थे दोनों के लिए, पेपर वन के लिए भी और पेपर टू के लिए, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन फंसे थे। मतलब वही है जो कि बच्चों ने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाए होंगे, तो डेफिनेटली उनका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा, बहुत ही अच्छे नंबर से वो क्लियर करने वाले हैं। पेपर वन थोड़ा सा टॉप था इनके हिसाब से और पेपर टू थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। ओके, तो आई होप हमने जितना भी यहाँ पे एनालिसिस किया है, आगे आने वाले जिनका भी एग्जाम है, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए, और भी जितने भी एस्पिरेंट्स एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए आई होप हेल्पफुल होगा। ज्योग्राफी के भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, ज्योग्राफी के लिए भी आई होप, पेपर वन के लिए तो उनको बेनिफिशियल होगा ही होगा। जितने भी हमने टॉपिक्स बता दिए हैं ये सब टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ओके, तो बस इतना ही कहना चाहेंगे आखिरी में कि जिन जिन का एग्जाम्स हो गया है, जैसे कि मैनेजमेंट का एग्जाम हो गया है, तो बस आधी जंग आपकी खत्म हो चुकी है, बस अब रिजल्ट का वेट करें। ठीक है, आपने अपना 100% पूरा दिया होगा एग्जाम के अंदर, इतना हमें भरोसा है आप लोगों के ऊपर। ठीक है, तो जंग की घड़ी खत्म, जंग की घड़ी परिणाम की समय शुरू होने वाली, हाँ, राइट सर। और जिनका एग्जाम अब आने वाला है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस का कल है, तो उन लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से करें, बहुत कामली एग्जाम को दें, वहां जाके प्रेशर में ना आए और बहुत अच्छे से एग्जाम दें। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड विद दैट नोट थैंक यू वेरी मच एवरीवन। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, फोकस रहिए, एंड IFS के साथ जुड़े रहिए। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूले, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आने वाले जो एग्जाम है उनके लिए बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।